हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। देसी विदेसी पकवान, आज हम बनाएंगे चिकन ग्रेवी। चिकन ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो चिकन और इसको अच्छे से धो लिया है, देखिए। और उसके बाद अब हम बनाएंगे चिकन ग्रेवी। और इसके साथ ही मैंने लिया है 3 मीडियम साइज की प्याज, उसको मैंने बारीक काट लिया अच्छे से और इसे हम फ्राई करेंगे। चलिए करते हैं गाइस। देखिए, हम कुकर में बना रहे हैं, आप कोई भी बर्तन में बना सकते हैं क्योंकि चिकन ग्रेवी है, लेकिन कुकर में जल्दी बनता है इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ, प्रेशर कुकर में। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कलछुल तेल और आधा कलछुल और लेंगे। आप भी कोई बर्तन रखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग तेल लीजिएगा। 1.5 कलछुल मैंने तेल लिया है। गाइस देखिए, मैं इसमें 1 चम्मच प्याज डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये निकालना है फ्राई करके। आधा चम्मच और लेंगे, थोड़ा सा इतना बस, इसको फ्राई करके निकालेंगे। उसके बाद ये प्याज डालेंगे। प्याज जो है 1.5 चम्मच मैंने ली थी वो हो गई है। हम इसको ऐसे करके गार के अच्छे से तब निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए, ये प्याज तल लिया है मैंने, इसको अलग रखना है, इसका अभी काम नहीं है, ठीक है। देखिए, हम थोड़ा तेल और ऐड करेंगे क्योंकि मैंने प्याज तला है तो तेल जल गया होगा, उसमें यूज हो गया होगा। मैंने 1.5 कलछुली तेल लिया था और वही इतना ही आप भी लीजिएगा। प्याज तलना होगा तो थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिएगा बस। अब इसमें हम डालेंगे 3 तेजपत्ते। अब हम प्याज डालेंगे अपनी सारी। देखिए, अब हम मसाला बनाएंगे अपना, एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। 2 चम्मच लेंगे इसी चम्मच से, दूसरा चम्मच लेंगे। 2 चम्मच है, मेरा थोड़ा गीला है पेस्ट, अगर आपका सूखा होगा तो आप 1.5 चम्मच लीजिएगा। 1 चम्मच गरम मसाला लेंगे क्योंकि खड़ा मसाला नहीं यूज किया है और ये घर का पिसा मसाला है गाइस। अगर इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो बता दीजिएगा। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच लेंगे आधा, नमक लेंगे, मिर्चा लेंगे, बुका मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर, घर का पिसा है, तीखा है इसलिए 1.5 चम्मच लेंगे। नमक स्वाद अनुसार लेंगे, मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना आपको चाहिए होगा। गाइस, मिर्च मेरी घर की पिसी है, इसलिए तीखी है तो मैंने अपने अनुसार रखा है। आपको तीखा जितना चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग आप रख लीजिएगा। इसको हम बना लेंगे अच्छे से, फेंट लेंगे बस। अब इसमें चिकन डालेंगे। देखिए, हमारी प्याज हो गई है सुनहरी। इसको हम भूनेंगे 2 मिनट अच्छे से। अब इसमें अपने जो गरम मसाला बनाया है उसको डाल देंगे अच्छे से, इसको चला लेंगे। इसमें देखिए, हम 2 हरी मिर्च डाल रहे हैं गाइस। इसमें हम दही डालेंगे 2 चम्मच, ये घर की दही है, जमाया है मैंने इसको। इसी चम्मच से मैंने 2 चम्मच डाली है, भर के दही डाली है, आप इसे यूज करिएगा। हम अच्छे से चला लेंगे। देखिए गाइस, अब इतना हम पानी डालेंगे इसमें, ज्यादा पानी मैंने नहीं लिया है, 1 कप के करीब पानी लिया है। अब इसको हम डाल देंगे और कुकर को बंद कर देंगे। इसको हम 3 सीटी तक पकाएंगे मीडियम आंच में, मीडियम आंच पर 3 सीटी में पकाएंगे। देखिए, जो मैंने प्याज तली थी उसको मैंने जार में ले लिया है, ज्यादा प्याज नहीं थी, मैंने आपको मेजरमेंट बताया था। अब इस 1 चम्मच में डालूंगी गरी का बुरादा, अगर आपके पास नहीं होगा तो आप गरी का टुकड़ा डाल दीजिएगा। और इसमें हम थोड़ा पानी डाल के इसको पीसेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं कि हमारी प्याज जो है वो पिसा जाए, बस इतना, लगभग 1 बड़ा साइज का चम्मच जितना, ठीक है। देखिए, इसको मैंने पीस लिया है, अगर पीसते समय आपका पानी कम हो जाता है तो आप ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने जितना मेजरमेंट पानी का लिया उतना ही आप भी लीजिए, ठीक है। देखिए, इसको पीस लिया मैंने, अब इसको हम रख देंगे किनारे और 3 सीटी तक पकने देंगे चिकन को। देखिए, मैंने इसको 3 सीटी में पकाया है मीडियम आंच पे। अब इसको हम खोलेंगे, प्रेशर निकाल गया इसका। देखिए, जो मैंने ये पेस्ट बनाया है इसको हम डाल देंगे, हाथों से डालिएगा या फिर चम्मच से डालिएगा, पानी नहीं मिला के डालना है इसे, जितना गाढ़ा है उतना ही डालना है गाइस। अगर थोड़ा, अगर ये ज्यादा गीला रहता है, जैसे पानी ज्यादा रहता है, तो आप ऐसे ही सुखा दीजिएगा। और मैं मुझे अभी 3 से 4 मिनट से हम पकाएंगे क्योंकि इसे हमें ग्रेवी बनाना है, तो जो मैंने डाला है वो उसमें मिल जाए अच्छे से, इसलिए हम 3 से 4 मिनट तक इसको पकाएंगे।
ढक्कन खोल के ये पकाना है, कुकर का ढक्कन नहीं लगाना है इसमें, बस ऐसे ही इसको पकाना है, क्योंकि जो हल्का सा ये डार्क हो जाए, जो मसाला मैंने डाला है पिसा हुआ, वो और अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, इसका भी टेस्ट अच्छे से आ जाए, इसलिए हमें ऐसे ही पकाना है। गाइस देखिए इसको मैंने पका लिया, चूल्हे की आंच को बंद कर दिया। देखिए हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी हो गई, गाढ़ी भी हो गई है और सारे मसाले अच्छे से मिल गए। अगर पानी कभी भी ज्यादा हो जाए गाइस तो घबराइएगा नहीं, ऐसे ही आप सुखा दीजिएगा खुले बर्तन में, जैसे ऐसे ही ढक्कन मत लगाइएगा, खोल के इसको थोड़ा देर चूल्हे पर रख दीजिएगा, वो पक जाएगा, गाढ़ा भी हो जाएगा। लेकिन देखिए कोई देखिए पीस भी टूट नहीं रही है, देख रहे हैं आप चिकन कुकर बनाने में बहुत ईजी, देखिए पीस टूट नहीं रही है। चलिए इसको हम सर्व करेंगे। आप गाइस देखिए इसको मैंने अच्छे से सर्व किया है, आप भी ऐसे सर्व करिए, खाइए बनाइए और बताइए कैसा बना है ये चिकन ग्रेवी। ये गाइस बहुत इजी रेसिपी है, आप कोई बर्तन में बना सकते हैं और बहुत अच्छे से बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। लाइक करें मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब जरूर करिए गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।